नमस्ते प्यारे और ऊर्जावान बच्चों, एनर्जेटिक। तो तुम्हें ऊर्जावान बनना है, अगर नहीं हो तो एनर्जेटिक बनना है। खूब सारी एनर्जी भरी हुई होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, और एनर्जी की डायरेक्शन होनी चाहिए ऊपर की तरफ। तो सारी एनर्जी डायरेक्टेड होनी चाहिए प्रॉपरली ऊपर की तरफ, दिमाग की तरफ। दिमाग को जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी उतना बढ़िया काम करेगा। आज की डेट लगाओ, लेक्चर नंबर 5, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकेंड पार्ट में हम एंटर कर गए। हमने लास्ट टाइम पे पढ़ना शुरू किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट किया सिंबल कैपिटल ई वेक्टर से, और उसकी यूनिट को देखा न्यूटन पर कूलम, उसका फॉर्मूला के क्यूब है आर स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन वही है जो फोर्स की है। अब इससे आगे की बात करेंगे। तो जैसा तुम्हें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड को अगर रिप्रेजेंट करना है हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दोनों का ही कंसेप्ट दिया माइकल फैराडे ने। फैराडे ने सिखाया कैसे हाइपोथेटिकली ऐसी कुछ लाइंस हम इमेजिन कर सकते हैं। वास्तव में ऐसी कोई लाइंस हमें दिखाई नहीं देती, पर अगर इनको देखना है, दिखाई तो नहीं देती, किसी और रूप में देखा जा सकता है। जैसे टेम्परेचर को अगर नापना है तो कोई प्रॉपर्टी जो कि टेम्परेचर के साथ चेंज होती है उसको मेजर करके हम टेम्परेचर नाप लेते हैं। जैसे गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है, गैस का प्रेशर, तो प्रेशर और वॉल्यूम को हम नाप सकते हैं डायरेक्टली, और उससे हम नाप लेते हैं टेम्परेचर लिंक करके। वैसे ही अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखनी है तो हम लोहे के बुरादे का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखनी हो तो हम देखे चावल के मुरमुरे जो हल्के होते हैं, थर्मोकोल की बॉल्स, दाल का दाना, चावल का दाना जो थैली में पैक है। अगर कभी तुम बाजार से दाल चावल लेकर आए हो जो थैली में पैक है, तो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन होगा कि वो फ्रिक्शन की वजह से वो दाने उछल उछल के चिपकते हैं थैली की सरफेस पर, इंटरनल सरफेस पर जब चार्ज हो जाते। इसी तरह से मुरमुरे, चावल के मुरमुरे, तो अगर इस तरह के ऑब्जेक्ट्स या कोई फर वाला खिलौना जिसमें लंबे लंबे फर हो, पुरानी तरह का जो टीवी होता था जिसकी स्क्रीन पर चार्ज आ जाता था सीआरटी, तीन चार घंटे उसको चलाओ फिर उसकी स्क्रीन चार्ज हो जाती थी। पहले टीवी को चेक करने का तरीका यही था कि कौन सा टीवी अच्छा, कौन सा टीवी हमारी आंखें कम खराब करेगा। खराब तो सारे करेंगे, कौन सा कम खराब करेगा। हाथ ले जाते थे हम स्क्रीन, नया टीवी खरीदने जाते थे, हाथ का पीछे वाला हिस्सा स्क्रीन के पास ले जाके देखते। एक तो रेडिएशन प्रेशर महसूस होता था, प्लस रोए खड़े हो जाते थे हाथ के। तो जिसकी स्क्रीन जितना ज्यादा चार्ज हो रही होती थी उतने ज्यादा रोए खड़े होते थे, तो उसको हम नहीं खरीदते। मतलब जिसमें ज्यादा इफेक्ट होगा ये वाला, वो हमारी आंखों को ज्यादा खराब करेगा। तो ये कंसेप्ट था। तो चार्ज को भी देखा, मतलब फील्ड लाइंस को भी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी देखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ ये जो हल्के ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको चार्ज किया जा सकता है इनके ओरिएंटेशन की फॉर्म में। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लोहे के बुरादे के ओरिएंटेशन की फॉर्म में हम देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग, माइकल फैराडे। हेडिंग तो नहीं है, लाइनें लिख सकते हैं, मेन लाइन माइकल फैराडे, अंडरलाइन कर दोगे माइकल फैराडे के नाम को। इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट, माइकल फैराडे इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ विजुअलाइजिंग, एक वर्ड है विजुअलाइजिंग, दृश्यमान होना, कंसेप्ट ऑफ विजुअलाइजिंग the electric field, visualizing the electric field graphically,
Michael Faraday gave the concept of visualizing the electric field graphically in terms of electric field lines. In terms of electric field lines, comma, which can be represented as, इनको कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है, इनके डिफरेंट पैटर्न्स हम देखेंगे और उनके बेसिस पर भी इनकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे. एज करके डैश लगा दो. अलग अलग पैटर्न्स हमको बनाने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, सीक्वेंस में बनाते चलेंगे. तुमसे बहुत पहले एक सवाल पूछा जाता था बोर्ड में, अब ये बिलो एवरेज चलेंगे. तुमसे कहते थे Q ग्रेटर देन जीरो के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न प्लॉट करो. तो Q ग्रेटर देन जीरो से हम इंटरप्रेट करते हैं कि चार्ज नेचर में पॉजिटिव. तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है कहीं पर, सपोज दिस इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे रेडियली आउटवर्ड जाती, इंफिनिटी तक एक्सटेंडेड होती है, सरफेस से निकलते वक्त नॉर्मली निकलती है. तो हम ये पैटर्न बनाकर दिखाएंगे कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगे रेडियली आउटवर्ड. आधे नंबर में ये आता था बच्चे में, आधे नंबर में Q less than zero, तो तुम प्रेडिक्ट करते हो कि ये कोई नेगेटिव चार्ज होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो लाइंस इंफिनिटी से आएंगी, आकर इसकी सरफेस पर टर्मिनेट हो जाएगी नॉर्मली, 90 डिग्री एंगल बनाते हुए टर्मिनेट हो जाएगी. तो ये लाइंस अभी तक हमें दिख रही हैं स्ट्रेट है, क्या एक कर्व हो सकती है, क्या एक क्लोज लूप फॉर्म कर सकती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरह, वो हमें डिस्कवर करना है, पता लगाना है. तीसरा पैटर्न, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पास पास रखें तो जो फील्ड लाइंस है एक तरह का डाइपोल फॉर्मेशन हो गया, दो पोल्स. फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव की सरफेस पर जाकर टर्मिनेट हो जाएंगी, नॉर्मली निकलेंगी, नॉर्मली टर्मिनेट होंगी, कुछ इस तरह से दिखेंगी और कुछ एक्सटेंडेड होगी अप टू इंफिनिटी, और कुछ आ रही होंगी इंफिनिटी से नेगेटिव की सरफेस पर टर्मिनेट होने के लिए. अगर मैं फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचता हूं, इंतजार मत करना है ना बोर्ड भरने का, बनाते चलना साथ साथ में. अगर मैं फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पी पर एक टेंजेंट खींचता हूं तो ये टेंजेंट उस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है. ये ठीक वैसे ही है जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लॉट करने के लिए हम मैग्नेट के पास किसी पॉइंट पर एक कंपास नीडल रखते हैं, तो कंपास नीडल जिस डायरेक्शन में इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होता है, वैसे ही है. फिर यहां से हम एक फैक्ट और प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और वो ये है कि अगर इसी में मैं एक और कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं, इसको ए मान लेते हैं, तो इसका बी वाला जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, मान लो चार्ज जो है मैग्नीट्यूड में ज्यादा है, सपोज टू पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव, तो जो लाइंस दिखाने का कंसेप्ट होता है, लाइंस को हम लिंक करते हैं एक नई क्वांटिटी पढ़ेंगे आगे दो लेक्चर बाद पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं फ्लक्स. और फ्लक्स जो है हम लिंक कर सकते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स जो कि ऑप्टिक्स में होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिज्म में होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होगा, ग्रेविटेशनल फ्लक्स के बारे में भी अब बातें की जाने लगी हैं, बोलते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स ढूंढ ली हैं, रिसेंटली लास्ट ईयर डिस्कवरी हुई ग्रेविटेशनल वेव्स ढूंढ ली गई हैं,
तो सिमेट्री है यहाँ पे, तो फ्लक्स की एक इमेज, या यूं बोले एक नया कंसेप्ट ट्रेनिंग में अगला पड़ाव ये है, ये बोले अगला मील का पत्थर माइलस्टोन ये है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इन सब के लिए तुम्हारे माइंड में एक इमेज होनी चाहिए। जैसे उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम आया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये नाम आते ही एक सेंसेशन और एक इमेज तुम्हें दिखाई देनी चाहिए, ये क्या है, एकदम क्लियर कट उसका विजुलाइजेशन तुम्हें हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का विजुलाइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का विजुलाइजेशन, जो हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बारे में भी, और फ्लक्स का कैसे होगा, फिर उसको लाइन से कैसे एसोसिएट करेंगे। इमेजिन करो अंधेरी रात है, तुम कहीं जा रहे हो, बस में बैठकर, कार में बैठकर, ट्रेन में बैठकर, तुम्हारी ट्रेन बस या कार कम आबादी वाले क्षेत्र से गुजर रही है जहां खेत है, दूर खेत में कहीं किसी झोपड़ी में बल्ब जल रहा है, तो तुम क्या देखते हो, वो बल्ब से निकलने वाली रेज नजर आती है तुमको, एक एक किरण देखेगी उससे निकलने वाली। ऐसे ही चार्ज ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ऐसे ही मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो अगर इन लाइंस को कंसीडर किया जाए जो एसोसिएटेड है गिवन एरिया के साथ, गिवन एरिया के साथ एसोसिएटेड लाइंस को काउंट किया जाए तो उसको बोलेंगे फ्लक्स। मान लो गिवन एरिया के साथ एसोसिएटेड 50 लाइंस हैं जो परपेंडिकुलर जा रही, तो हम बोलेंगे उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स 50 यूनिट। वो ल्यूमिनस हो सकता है लाइट वाला, वो मैग्नेटिक हो सकता है मैग्नेट वाला, या फिर चार्ज वाला यानी इलेक्ट्रिक हो सकता है। तो जो लाइंस परपेंडिकुलर जाती हैं वो क्रिएट करती हैं फ्लक्स, तो फ्लक्स किससे बना है, लाइन से बना है। तो फ्लक्स की एक इमेज आ गई तुम्हारे दिमाग में, वो बल्ब की इमेज एसोसिएट हो गई उससे निकलती हुई रेज। अब जब भी कोई सा भी फ्लक्स आएगा तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली उसको लिंक करेगा उससे। फिर फील्ड क्या, तो तुमने एग्जांपल लिया था वो कुत्ते वाला शेर वाला, प्रभाव क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र इज फील्ड। जैसे कोई नेता चुनाव लड़ता है तो उसका चुनाव क्षेत्र, तो किसी चार्ज का प्रभाव क्षेत्र, चार्ज के आसपास का वो रीजन। तो दूसरा चार्ज अगर इस फील्ड में आएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फिर एनसीईआरटी में एक आर्टिकल दिया हुआ है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तुम्हें ये समझना होगा कि फिजिकल सिग्निफिकेंस का मीनिंग क्या है। ये फील्ड जो है एकदम से नहीं आ जाता, मान लो मैंने कहीं से लाकर, अभी यहां कुछ भी नहीं है, कहीं से लाकर पॉजिटिव चार्ज रखा तो इसका फील्ड इसके चारों तरफ फैलेगा और इसको फैलने में फाइनाइट टाइम लगेगा, एकदम से ऐसे नहीं कि लाके रखा और तुरंत फैल गया। तो कितना फाइनाइट टाइम, अगर 8 दूरी पर हम कोई पॉइंट कंसीडर करें जहां तक इसका फील्ड चलकर पहुंच रहा है, तो ये फील्ड के चलने की स्पीड होती है सी, स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब ये हुआ बहुत तेज चलता है, तो फील्ड बहुत तेज चलता है पर कुछ फाइनाइट टाइम लगेगा। मैं तुम कांच के सामने जाकर खड़े हुए तुम्हारी इमेज को बनने में, बनकर तुम्हारी आंख तक पहुंचने में फाइनाइट टाइम लगता है, पर स्पीड इतनी ज्यादा है कि हमें लगता है कि वो इंस्टेंटेनियस, जैसे तुम सामने के सामने इमेज दिख रही है, और जो पूरा प्रोसेस हो रहा है वो समझो, लाइट तुम्हारे ऊपर पड़ी, तुमसे रिफ्लेक्ट होकर कांच की तरफ गई, कांच से रिफ्लेक्ट होकर वापस तुम्हारी आंख तक पहुंची, फिर इमेज फॉर्मेशन हुई। अगर उसको हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखा सकें स्लो स्पीड पर, स्लो मोशन कैमरा से, तब हमें पता चलेगा कि हाँ एकदम से इंस्टेंटेनियसली नहीं बन रही है इमेज, बनने में कुछ फाइनाइट टाइम लग रहा है। वैसे ही फील्ड का इफेक्ट आसपास के रीजन में पहुंचने में टाइम लगता है। तुमसे पूछे कितने टाइम में पहुंच जाएगा आर डिस्टेंस पर, तो तुम्हारा जवाब होगा आर बाई सी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसको बोलते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो जब उसका इफेक्ट वहां पहुंचेगा तो वहां पहले से कोई चार्ज मौजूद है, उसका भी फील्ड
उससे इंटरेक्ट करने पहुंचेगा। राम और रावण में लड़ाई चल रही है, रावण ने अपने ब्रह्मास्त्र चलाए या बोले अपने अपने अस्त्र चलाए। अस्त्र और शस्त्र में अंतर जानते हो? किसको हाथ में लेकर लड़ा जाता है और कौन सा चलाया जाता है? अस्त्र चलाया जाता है, शस्त्र हाथ में लेकर लड़ा जाता है। तो उधर से रावण चला रहा है, इधर से राम चला रहे हैं। अब दोनों के अस्त्र आपस में इंटरेक्ट होकर एक दूसरे का असर, एक दूसरे पर असर डालेंगे। यू बोले असर खत्म करेंगे की बजाय एक दूसरे पर असर डालेंगे। तो ऐसा होगा, वो इंटरेक्शन कंप्लीट होगा। वो नेगेटिव है तो सपोर्ट करेगा उसके असर को, पॉजिटिव हो तो अपोज करेगा। ठीक है, तो वैसे हम फील्ड लाइंस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब अगर पावरफुल है, ज्यादा पावर है उसमें, तो ज्यादा लाइंस। और ये प्रोपोर्शनेट चलता है रिलेशन। प्रोपोर्शनेट मींस अगर मैंने दिखाया यहां एक प्लस और यहां पे उसके साथ एक दो तीन चार लाइन एसोसिएटेड है, तो जब मैं यहां दो प्लस दिखाऊंगा, यहीं पर दिखा रहा हूं साथ में, अगर मैं किसी और एग्जांपल में अलग पेज पे अलग जगह अलग रेफरेंस के साथ बना रहा हूं, तो मेरी मर्जी, यहां पे मैं चार लाइन के बजाय दो दिखा सकता हूं। वहां दो दिखाऊंगा तो यहां पे मुझे चार दिखानी होगी, पर यहां अगर मैंने चार दिखा दी तो यहां दिखाऊंगा आठ। ये लॉजिक है। तो अभी यहां पे फील्ड लाइंस अगर मैं ड्रॉ करता हूं, तो ये लाइंस पास पास होंगी क्योंकि उतनी ही दूरी में मुझे आठ लाइन दिखानी है, तो ये लाइंस पास पास होंगी। लाइंस का किसी रीजन में पास पास होना रिप्रेजेंट करता है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। तो यहां से एक प्रॉपर्टी बनती है, लार्जर द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इन ए गिवन रीजन, मोर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दैट रीजन। और यहां से हम एक क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं इस कंसेप्ट को यूज करके। तुम एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, देयर आर टू चार्जेस। कैपिटल क्यू से निकलने वाली लाइंस उनमें से कुछ स्मॉल क्यू तक पहुंचती हैं, कुछ नहीं पहुंचती। तुमसे सवाल के पहले पार्ट में पूछते हैं, बताओ हाउ मच इज क्यू बाय क्यू। दूसरे पार्ट में पूछते हैं, नेचर प्रेडिक्ट करो कैपिटल क्यू का स्मॉल क्यू का। नेचर इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो, जिससे लाइंस निकल रही है वो पॉजिटिव और जिसमें जा रही है वो नेगेटिव। और तुम क्यू बाय क्यू भी बता सकते हो, उसके लिए सिंपल लॉजिक है, क्यू प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ लाइंस, इसका मैग्नीट्यूड। कैपिटल क्यू से छह लाइन एसोसिएटेड है तो इसका मैग्नीट्यूड सिक्स के प्रोपोर्शनल। स्मॉल क्यू से चार लाइन एसोसिएटेड है, उसका मैग्नीट्यूड फोर के प्रोपोर्शनल, तो इट बिकम्स थ्री बाय टू। थोड़ा और स्पेसिफिक जाए, जिससे लाइंस निकल रही है उसको पॉजिटिव मानते हुए, जिसमें लाइंस एंटर कर रही है उसको नेगेटिव मानते हुए, हम यहां पर एक नेगेटिव साइन लगा सकते हैं जो इंडिकेट करेगा कि दोनों चार्जेस नेचर में अपोजिट है। रिवर्स क्वेश्चन, क्वेश्चन में तुमको दिया गिवन Q by Q equal to minus half, then what two conclusion you can draw from this? इससे तुम दो क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? दो निष्कर्ष कौन कौन से निकाल सकते हो? पहला निष्कर्ष तुम निकाल सकते हो, Q is greater than less than, okay, capital Q is less than small q and both are of opposite nature. किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव नहीं कह सकते, हमें नहीं पता। हो सकता है कैपिटल क्यू पॉजिटिव हो,
स्मॉल क्यू नेगेटिव हो सकता है, कैपिटल क्यू नेगेटिव हो, स्मॉल क्यू पॉजिटिव है, वह हम ये कह सकते हैं बोथ आर ऑफ अपोजिट नेचर। अपोजिट का शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, स्टैंडर्ड बन चुका है। कई बार तुमने देखा हो जब हम एड्रेस लिखते हैं तो कोई अगर वेल डिफाइंड लोकेशन होती है हमारे घर के आसपास, हमारा घर उसके सामने होता है तो हम लिखते हैं अपोजिट OPP. पूरा नहीं लिखते। अपोजिट जो है, अपोजिट का शॉर्ट फॉर्म स्टैंडर्ड बन चुका है। यू कैन यूज OPP. इन बोर्ड एग्जाम आल्सो टू राइट अपोजिट। तो ये कंक्लूड हम कर सकते हैं इससे। अच्छा, मैग्नीट्यूड के बारे में भी हम एग्जैक्टली कंक्लूड कर सकते हैं। यहां पे मैं ऐसे लिखने के बजाय भी लिख सकता हूं कि Q इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल Q, डबल एस। चौथा पैटर्न, अभी तक तीन पैटर्न हमने स्टडी किए, फोर्थ वन इज अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, सपोज प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, माइनस क्यू एंड माइनस क्यू भी हो सकते थे, तो फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करते हुए जाएंगी पर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अभी तुमने गौर किया, तुम्हें से काफी बच्चे इस फैक्ट से फैमिलियर हैं कि दो फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। जैसे ये स्टेटमेंट आता है तुम्हें सुना हुआ लगता है, फैमिलियर फील आता है कि ये तो तुम जानते हो। रीजन, बिकॉज तुमने इसको पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए। एनी टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और अच्छे से तैयार किया हुआ है छोटी क्लास में, इसलिए तुम्हें फैमिलियर फील आता है। तो सब्जेक्ट का आसान लगना और मुश्किल लगना डिपेंड करता है एक स्ट्रॉन्ग वर्ड जिसका नाम है फैमिलियरिटी। अगर तुम्हें कुछ चीजें मुश्किल लगती हैं तो अंतर सिर्फ इतना सा है कि उसको तुमने अभी कम छुआ है, कम टच किया है उसको। और ज्यादा पढ़ोगे, ज्यादा पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे तो वही मुश्किल चीजें कुछ समय बाद तुम्हें आसान लगने लगेंगे। तो यहां पर हमने देखा कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो उस पर क्वेश्चन बनता है व्हाई। तो उसका आंसर हम बाद में लिखेंगे, यहां बस डायग्राम में हम दिखा देते हैं कि मान लो अगर दो लाइन L1 और L2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें किसी पॉइंट पी पर, तो पॉइंट पी पर मैं दो टेंजेंट खींच सकता हूं, एक लाइन L1 के अलोंग जो डायरेक्शन बताएगी T1 के अलोंग, दूसरी लाइन L2 के अलोंग जो डायरेक्शन बताएगी T2 के अलोंग। किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हमने फोर्स के लिए पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए गिवन पॉइंट चार्ज due to a discrete system of charges is equal to vector sum of individual forces due to individual charges and the force acting between any two charge remains unaffected from presence of any other charge। ये superposition principle ऐसे का ऐसा valid है electric field के लिए। अगर तुम किसी given point पर net electric field निकालना चाहते हो because of discrete system of charges, then it is equal to vector sum of individual electric fields due to individual charges। और इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि point P पर जो resultant field होगा वो किसी एक ही direction में हो सकता है, दो अलग अलग direction में नहीं हो सकता, इसलिए दो tangent नहीं मिल सकती, तो दो lines काट नहीं सकते। अगला पैटर्न अगर मैं बनाता हूं, तो अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं कि किसी रीजन में, किसी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो अभी तक जो हमने सीखा ये लाइंस अगर ज्यादा डेंस होती है तो बताती इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, ये बात तुम समझ चुके हो। वेक्टर क्वांटिटी के यूनिफॉर्म होने का मतलब होता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में यूनिफॉर्म होना, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तो वो तभी पॉसिबल है जब मैं दिखाऊं इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन हम सीखेंगे। अगर मुझे दिखाना है किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो उसको दिखाने का तरीका है हम दिखाते हैं इक्विडिस्टेंट बराबर बराबर दूरी पर। बराबर दूरी पर होना इंडिकेट करता है कि मैग्नीट्यूड में यूनिफॉर्म है। पैरेलल लाइंस पैरेलल होना इंडिकेट करता है डायरेक्शन में यूनिफॉर्म। और सिमेट्री के लिए हम पांच लाइन दिखाते हैं, फाइव इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। लाइंस का लेफ्ट टू राइट जाना इंडिकेट करता है कि लेफ्ट हैंड साइड पर, लेफ्ट एंड साइड भी बोल सकता हूं और लेफ्ट हैंड साइड भी बोल सकता हूं, वहां पर पॉजिटिव चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और यहां नेगेटिव चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। उसकी वजह से लाइंस जा रही हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव और लेफ्ट टू राइट। अगर मुझे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है तो नॉन यूनिफॉर्म तीन तरह से हो सकता है। तो नॉन यूनिफॉर्म कौन कौन से तीन तरह से हो सकता है वो समझेंगे। सिर्फ डायरेक्शन में नॉन यूनिफॉर्म, इन डायरेक्शन ओनली। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट रहे, मतलब फील्ड लाइंस हो इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट और फील्ड लाइंस जैसा कि तुम देख रहे हो कर्व्ड, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इस पैटर्न से हम दिखा सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि नॉन यूनिफॉर्म है डायरेक्शन में। एक और तरीके से दिखा सकते हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सिर्फ थियोरेटिकली ऐसा सोचा जा सकता है कि एक लाइन उधर है, दूसरी लाइन जो उससे बराबर दूरी पर है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। चार लाइन बनाना पर्याप्त होगा। हमने देखा एब्रप्टली इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर ली, एक लाइन का एरो इधर है, तो हम बोलेंगे डायरेक्शन में नॉन यूनिफॉर्म है बट मैग्नीट्यूड में यूनिफॉर्म। फिर अगर हम दिखाना चाहते हैं कि ये मैग्नीट्यूड में नॉन यूनिफॉर्म है, इन मैग्नीट्यूड ओनली, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है नॉन इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। शुरू में लाइंस के बीच की दूरी कम, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में डिक्रीज होगा, कम होता चला जाएगा। अगर मैं कोई तीन डिफरेंट पॉइंट्स यहां कंसीडर करूं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तो लाइंस की डेंसिटी के हिसाब से मैं कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे सकता हूं E सबस्क्रिप्ट A ग्रेटर देन E सबस्क्रिप्ट B ग्रेटर देन E सबस्क्रिप्ट C। ये कमेंट मैं मैग्नीट्यूड के बारे में कर रहा हूं, डायरेक्शन तो तीनों जगह सेम है। और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कुछ पैटर्न सिर्फ थियोरेटिकली पॉसिबल होते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते। जैसे कि ये वाला, ऐसे ही यहां पर थियोरेटिकली तो पॉसिबल होगा, अगला जो पैटर्न बना रहा हूं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा।
action is uniform? Magnitude is increasing as we move in the direction of field. As we move from left to right, magnitude is increasing. Direction is uniform. Non-uniform in magnitude, uniform in direction. तीसरा पैटर्न हम ले सकते हैं इन बोथ डायरेक्शन में भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड में भी नॉन यूनिफॉर्म आइदर डाइवर्जिंग लाइंस डायरेक्शन लगातार बदल रही है या फिर हम कंसीडर कर सकते हैं इसके रिवर्स कन्वर्जिंग लाइंस क्योंकि डेंसिटी चेंज होगी लगातार तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा और डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है क्योंकि लाइंस कन्वर्ज या डाइवर्ज हो रही है नॉन यूनिफॉर्म इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म इन डायरेक्शन बोलो हाँ चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन नेचर में नहीं पाया जाता कि यहाँ चार्ज रखो यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो ऐसे स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ेगा तब जाके पॉसिबल हो ये डायरेक्शन एकदम से अब्रप्ट होना पॉसिबल नहीं है मैं इधर जाता जाता एकदम से मुड़ जाऊं पहले रोकना पड़ेगा फिर मुड़ूंगा एब्रप्ट चेंजेस नेचर में नहीं मिलते जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें दूसरी डायरेक्शन में मैं ले जाऊं 2012 दिसंबर में प्रेडिक्ट किया जा रहा था दुनिया खत्म हो जाएगी बिकॉज ऑफ एब्रप्ट रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक पोल्स मैग्नेटिक पोल्स की पोजिशन लगभग कुछ किताबों में लिखा है 10,000 साल कुछ में लिखते हैं 10^6 year कुछ में लिखते हैं 10^7 years कि पोल्स की पोजीशन चेंज हो जाती और वो चेंज एकदम से हो जाएगा जिसकी वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी या इतने ड्रास्टिक चेंजेस होंगे अर्थ पे कि कोई भी नहीं बचेगा ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा था प्रलय आ जाएगा 2012 दिसंबर में पर वो एब्रप्ट चेंज नहीं हुआ बिकॉज नेचर सपोर्ट नहीं करती एब्रप्ट चेंजेस को इसलिए हम अभी पढ़ रहे हैं बैठ के हम कुछ और पैटर्न्स जो हमको स्टडी करने सिक्स के बाद सेवन अगर हम किसी कैपेसिटर की बात करें कैपेसिटर जैसे कि पंखे में लगा होता है डिटेल में पढ़ना है बहुत ही इंटरेस्टिंग है कैपेसिटर और बहुत काम का भी है जैसे तुम जानते हो कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को तुम्हारी लाइफ से निकाल दिया जाए इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को अगर लाइफ से निकाल दिया जाए हटा दिया जाए तो सोचो जिंदगी कैसी होगी एक दूर दराज के गांव में जहां पे तुम 4 बजे उठोगे सुबह और शाम होते ही 7 बजे 5 बजे तक खाना खाया और 6-7 बजे तक तुम सो जाओगे क्योंकि बिजली नहीं है और वैसे ही लाइफ स्टाइल होगा हालांकि वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है सब उसके अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं बिना बिजली के जिंदगी कैसी होगी तो आज के टाइम में जैसा उसको उसके बारे में सोचना मुश्किल है अगर कैपेसिटर को निकाल दिया जाए तुम्हारे लाइफ से तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कैपेसिटर यूज कर रहे हैं कैपेसिटर के बिना वो सारे ठप पड़ जाएंगे ये पंखा नहीं घूम पाएगा
ट्यूबलाइट नहीं चल पाएगी, कैमरा काम नहीं करेगा, मोबाइल बिल्कुल काम नहीं करेगा, ये माइक काम नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितने भी सब ठप पड़ जाएंगे। तो कैपेसिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। तो एक कैपेसिटर में जनरली दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं और उन दो कंडक्टर्स को पैरेलल रखा जाता है, एक पॉजिटिव होती है और दूसरी नेगेटिवली चार्ज होती है। तो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रेडिक्ट करें तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसको बनाकर दिखाएंगे। तुम्हारे सिलेबस में तीन डिवाइस हैं, एक का नाम है कैपेसिटर, दूसरा है रेजिस्टर, जिससे तुम फैमिलियर हो रेजिस्टेंस, और तीसरा है इंडक्टर। इंडक्टर को हम दिखाते हैं एल से, कैपेसिटी को दिखाते हैं सी से, रेजिस्टेंस को आर से, एल सी आर, जो आधा हिस्सा है लगभग सिलेबस का, 31 नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेस्ड है एल सी और आर पर। ये जो इंडक्टेंस है वो कहाँ है, ये जो ट्यूबलाइट लगी है इसमें चौकोर सी डिब्बी लगी हुई है जिसको कहते हैं चौक, चौक कॉइल, इट इज बेसिकली एन इंडक्टर। ट्यूबलाइट में इसका क्या रोल है, ट्यूबलाइट को जलने के लिए 100 वोल्ट चाहिए, घर में हमारे आ रहे हैं 230 या 220 वोल्ट, वहां से उसको कम करने का तरीका है इंडक्टर, 220 से 100 बनाने के लिए हमने इंडक्टर लगाया हुआ है। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस लगाएंगे, तुम आगे सीखोगे, तो रेजिस्टेंस में जो एनर्जी का लॉस होगा इन फॉर्म ऑफ हीट, आई स्क्वायर आर टी लॉस, वो रिकवरेबल नहीं है, पर जो इंडक्टर लगाया है इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता, 220 से कम होकर 100 वोल्ट मिलता है, ट्यूबलाइट जल जाती है। तो एल सी और आर, इन तीनों को डिटेल में पढ़ना है। अगर तुमने नाम सुना हो सोलेनोइड, जिसको हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, तुमने अगर कभी गौर किया हो कि कभी सोचा हो, अगर तुम्हारा दिमाग सही चल रहा है तो सोचोगे सही, कि जो पानी साफ करने वाली जितनी भी मशीनें हैं, जैसे कि एक्वागार्ड वाटर फिल्टर, इसमें तुम बटन दबाते हो पानी चालू हो जाता है, बटन दबाते हो पानी बंद हो जाता है। हालांकि पानी को बंद या चालू करने के लिए नल जब तुम इस्तेमाल करते हो तो मैकेनिकल ऑपरेशन चाहिए, एक वाल्व खोलना होता है और एक वाल्व बंद करना होता है। तो बटन दबाने से वाल्व कैसे खुल जाता होगा, कैसे बंद हो जाता होगा, क्योंकि पानी चालू पानी बंद हो रहा है, तो वहां लगा होता है सोलेनोइड वाल्व। एक सोलेनोइड होती है यानी एक कॉइल, जैसे तुमने 9th क्लास में सीखा इलेक्ट्रोमैग्नेट या 10th क्लास में सीखा इलेक्ट्रोमैग्नेट, बनाया भी होगा, कील पे तार लपेट दो, इंसुलेटेड कॉपर वायर, जब करंट फ्लो कराएंगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगी। तो अगर वो मैग्नेटाइज हो जाएगी और किसी फ्लैप को, लोहे के फ्लैप को अट्रैक्ट कर लेगी तो कोई ओपनिंग जो है हम उसको उस फ्लैप से क्लोज कर सकते हैं, तो वाल्व बंद हो जाएगा, छोड़ेगी उसको, डीमैग्नेटाइज होगी तो वाल्व खुल जाएगा, इसको कहते हैं सोलेनोइड वाल्व। तो सोलेनोइड एक डिवाइस है, सोलेनोइड का इंडक्टेंस होता है, यानी सोलेनोइड को भी हम इंडक्टर कहते हैं, ये जो चौक कॉइल है ये इटसेल्फ एक सोलेनोइड है। तो रेजिस्टेंस तुम फैमिलियर हो, जिसका सिंबल होता है जिग जैग, उसके बाद आ गया कैपेसिटर, जिसका सिंबल होगा, अभी आर्ट्स के स्टूडेंट कॉमर्स के स्टूडेंट आके बैठ जाते हैं तो क्लास में सो जाते हैं, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं आता इन बातों में, उनका इंटरेस्ट कुछ और है, गलत स्ट्रीम उन्होंने चूज कर ली। तो दो प्लेट्स को पैरेलल रखा, क्या बन गया, कैपेसिटर, तार को लपेटा सिलिंड्रिकल कोर पर, सोलेनोइड बन गया, इंडक्टर बन गया, और रेजिस्टेंस तुम फैमिलियर हो रेजिस्टेंस वायर। तो ये जो कैपेसिटर होता है इसके अंदर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सोलेनोइड के अंदर होता है मैग्नेटिक फील्ड, तभी तो मैग्नेटाइज होती है नेल लोहे की। तो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इनका पैटर्न मिलता जुलता होता है लगभग। तो कैपेसिटर के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता हूं, वास्तव में ये चार्ज होता है इनर सरफेस ऑफ द प्लेट पर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से इनर साइड पे आ जाता है चार्ज, पर दिखाते वक्त हम दिखाते हैं आउटर साइड पर, और उसका सिंपल सा रीजन है कि अंदर हमें फील्ड लाइंस दिखानी होती है, रिप्रेजेंटेशन ठीक से हो जाए इसके लिए हम अंदर नहीं दिखाते चार्ज, होता अंदर है दिखाते बाहर है। तो फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी,
कैपेसिटर के बीच वाले हिस्से में फील्ड लाइंस होंगी यूनिफॉर्म। मैं कम दिखा रहा हूं, जैसा लॉजिक तुम्हें बताया था, एक चार्ज के साथ में दो एसोसिएट करो तो डबल हो जाएंगे नंबर। अभी मैंने एक चार्ज के साथ सिर्फ एक एसोसिएट के, तीन एसोसिएट करो ट्रिपल हो जाएंगे नंबर। तो बहुत सारी होती हैं। ये वाले जो फील्ड लाइन है, ऊपर वाली फील्ड लाइन इसको रिपेल करती है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, नीचे से भी रिपेल करेगी तो ये बिल्कुल सीधी सीधी चलेगी। पर ये जो नीचे वाली है ये फैल जाती है, क्योंकि वो तो रिपेल कर रही है, इधर से वापस इसको रिपेल करने के लिए कोई नहीं है, ये ऊपर वाली भी फैल जाती है। और ये जो इफेक्ट आ रहा है स्पेशल लाइन के फैलने का, बल्जिंग इफेक्ट, इसको हम कहते हैं फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। एक नंबर में क्वेश्चन बनता है, ये जो लाइंस का फैल जाना है, इट इज कॉल्ड फ्रिंजिंग। एक नया शब्द मैं क्लास में फैमिलियर करा दूंगा, फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड। कुछ टर्म्स में यूज कर रहा हूं, उससे तुम्हें फैमिलियर होना जरूरी है, वैसे तुमने अलग में सीखी है। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स लेटरल, इनको हम फिजिक्स में कई जगह इस्तेमाल करें तो उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अगर कोई वेव है, वेव के रेफरेंस में तुमने इनको सीखा है, वेव जा रही उधर, तो अलोंग द लेंथ ऑफ द वेव अगर मैं उस डायरेक्शन की बात करूंगा तो ये डायरेक्शन है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स अलोंग द लेंथ। अब इसके बाद दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन बचती है, ये वाली, ये वाली। अगर मैं इसको कहता हूं ट्रांसवर्स, जैसे कि वेव के वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन अगर ऐसे हो रहे हैं तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव मोशन। तो अगर मैं इस डायरेक्शन को ट्रांसवर्स कहता हूं तो इस वाली डायरेक्शन को बोलूंगा लेटरल। लॉन्गिट्यूडनल तो हुआ, तो तीन डायरेक्शन हो गई। अच्छा, रिवर्स भी ट्रू है। रिवर्स कैसे ट्रू? लॉन्गिट्यूडनल में कोई चेंज नहीं, वो तो अलोंग द लेंथ लॉन्गिट्यूडनल। अगर मैं इसको ट्रांसवर्स कहूंगा then it becomes lateral. यानी lateral and transverse are interchangeable. तो आगे जब भी हम बात करेंगे lateral, transverse, longitudinal, तो इस reference में तुम्हें उसे वो समझना है। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया कि ये line longitudinally contract होने की tendency रखेंगी, पर lateral या transverse direction में एक दूसरे को repel करेंगी। उसकी वजह से ये फैल गई बाहर। तुम खाना खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, कपालवादी प्राणायाम मत करो, क्या होगा, तुम्हारा पेट अंदर से प्रेशर पड़ेगा पेट की दीवार पर। ये एक्सरसाइज करो या तो जिसमें पेट दबता है, नीचे झुकने वाला काम करो, जो भी बड़े मिले उनको झुक झुक के प्रणाम करो, पेट दबेगा, पेट अंदर रहेगा। ये जो मोटे लोग होते हैं, समझ जाओ, ये प्रणाम नहीं करते किसी को, ये अपनी लाइफ में झुकते नहीं। तो ये क्या होता है, पेट फिर सेम इफेक्ट, बल्जिंग इफेक्ट, इट इज कॉल्ड बल्जिंग इफेक्ट। तो अगर तुम मोटे नहीं बनना चाहते तो ये एक्सरसाइज करो, या तो कपालभाति प्राणायाम करो, यानी पेट को वापस अंदर दबाने वाली एक्सरसाइज तुमको करनी होगी। तो फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड, अब तुम चाहोगे तो भी नहीं बोल सकते, बस एक नाम है। एक दो बार और अगर मैं रिपीट कर दूंगा क्लास में, जिंदगी भर के लिए तुम्हें याद हो जाएगा, फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। जैसा कैपेसिटर में होता है वैसा इंडक्टर में भी होता है, यानी सॉलेनोइड में भी। सॉलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म, जैसे कैपेसिटर में कैसा है यूनिफॉर्म, और किनारे पे चले जाओगे तो कैसा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। आगे हम एक्सप्रेशन पढ़ने वाले डिराइव भी करेंगे, म्यू जीरो, दोबारा बोल रहा हूं जिससे तुम फैमिलियर हो जाओगे, परमेबिलिटी, एप्सिलॉन जीरो के कोरिस्पोंडिंग म्यू जीरो। फिर एक टर्म है एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ऐसे सुन लेना, म्यू जीरो एन, और आई है करंट। सॉलिड के बीच वाले हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू जीरो एन आई, और जब हम किनारे पे चले जाते हैं, क्योंकि फील्ड लाइंस दूर दूर हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड घटता रह जाता है म्यू जीरो एन आई बाय टू। ठीक है, तो फ्रिंजिंग कैपेसिटर में भी होती है, फ्रिंजिंग सॉलिड में भी होती है, सिमेट्रिकल चलेगा। अगला पैटर्न मान लो, ये जो कैपेसिटर की प्लेट
इन दोनों प्लेट्स के बीच में। अब की बार फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुछ वर्ड हम यूज करेंगे, सेक ऑफ सिंपलिसिटी आसानी के लिए, सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए आसानी से समझ में आ जाए, ऐसे के ही सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और सेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन आसानी से उसको दिखा सके उसके लिए। तो यहां पर सेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन मैं पांच की बजाय चार चार्ज दिखा रहा हूं, आसानी से समझ में आ जाए। और फ्रिंजिंग के इफेक्ट को नेगलेक्ट कर रहा हूं, मान लो फ्रिंजिंग जब तक बोलेंगे नहीं तब तक हम दिखाएंगे नहीं, ठीक है, सांस अंदर खींच के रखें पेट चिपका के। अब यहां पर हमने एक मेटल की स्लैब को इंट्रोड्यूस किया, मेटल स्लैब मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इनफाइनाइट, तो तुम्हें प्रेडिक्ट करना है फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होगा। तो लॉजिक ये है, जो फॉर्मूला तुमने पहला फॉर्मूला सीखा था, इंड्यूस चार्ज q डैश इक्वल टू माइनस q टाइम्स इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन कैपिटल k, अगर ये चार है तो यहां चार नेगेटिव पास में आ जाएंगे, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यहां बचेंगे चार पॉजिटिव या मान लो उसकी वजह से आ जाएंगे, जैसे भी मान। तो जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड था, अगर ये था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई वेक्टर, तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा प्लस टू माइनस बाहर वाले के अपोजिशन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना हो जाएगा, जितना बाहर है उतना ही अंदर डेवलप हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट, तो किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो, कैंसिल होकर यहां से फील्ड लाइन निकलेगी या टर्मिनेट हो जाएगी, यहां से नहीं निकलेगी फिर यहां टर्मिनेट होगी। फ्रिंजिंग को हमने नेगलेक्ट कर दिया जैसा मैंने बोला, तो पैटर्न विल लुक लाइक दिस, कुछ इस तरह का पैटर्न होगा, सिमेट्रिकल बनाना, मेरे से यहां पे एक ज्यादा गैप छूट गया, सिमेट्रिकल बनाना, इक्वल गैप। तो अगर किसी कैपेसिटर के बीच में मेटल स्लैब डाल दी जाए तो फील्ड लाइंस का पैटर्न इस तरह का होता है। एक स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करना सिखाया था मैंने तुम्हें, प्रेडिक्शन, ये बहुत काम आने वाला है स्टडीज में। तुम क्या करते हो, तुम्हें मेन क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका सिखाते हैं, बोलते हैं इस तरह का न्यूमेरिकल है तो ऐसे सॉल्व होगा, अब तुम प्रेडिक्शन लगाते हो, जब लैंग्वेज पढ़ते हो क्वेश्चन की तुम उसको मैच कराते हो, किस टाइप से मैच हो रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर देते हो। तुमने ये सीख लिया, हवा में है तो ऐसे है, मेटल में है तो ऐसे है, नाउ यू कैन प्रेडिक्ट अगर ये मेटल की बजाय डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो तो क्या होगा, यहां क्या हुआ, कैंसिलेशन हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर था एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर डेवलप हुआ, इक्वल एंड अपोजिट, कैंसिलेशन हो गया। यहां से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकलता है, वो तुम चाहो तो इसी के नीचे स्टामा करके इसके रेफरेंस साइड में लिख सकते हो, किसी कंडक्टर के अंदर जिसे कि एक्सटर्नल फील्ड में रखा जा रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, क्यों, क्योंकि उसमें अपोजिट चार्ज उतने ही अमाउंट में इंड्यूस हो जाता है जो उसको कैंसिल कर देता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को। तो अब इसको लिंक करो, तुमने एक प्रॉपर्टी लिखी थी चार्ज की जिस पर बेस क्वेश्चन मैंने तुमसे टेस्ट में पूछा था, टेस्ट वन में, कि ए का पूरा चार्ज बी को ट्रांसफर करना है तो ए को बी के अंदर रख के जोड़ना होगा, यानी प्रॉपर्टी थी द होल चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर रिजाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस, तो उसको लिंक कर सकते हैं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड तभी नहीं हो सकता जब अंदर चार्ज ना हो, इसका मतलब कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इसको आगे फिर से इसको और रिफाइन करेंगे, लिंक करेंगे कॉन्सेप्ट को। अभी मैंने क्या किया, फिर से कैपेसिटर की वो दो प्लेट्स, फोर पॉजिटिव हियर एंड फोर नेगेटिव हियर फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग,
sake of representation. अब की बार जो मैंने स्लैब बीच में रखी है ये मेटल की नहीं है, इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक. सपोज प्लास्टिक सच दैट फॉर विच के इक्वल टू टू, उसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है टू. अब अगर तुम फॉर्मूला लगाते हो क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू टाइम्स, तो तुम्हारे पास लॉजिक से ये निकल के आता है कि दो ही चार्ज इंड्यूस होंगे. अगर ये चार यूनिट है तो कितने यूनिट इंड्यूस होगा, टू यूनिट. तो मान लो यहां इंड्यूस हुआ नेगेटिव, यहां इंड्यूस हुआ नेगेटिव. सपोज ये बचा पॉजिटिव, ये बचा पॉजिटिव. तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप तो हुआ पर बाहर का कितना, आधा होना भी चाहिए. कैसे, तुमने पढ़ा था एक रिलेशन, इफेक्ट ऑफ मीडियम, याद करो एफ डैश इक्वल टू एफ बाई के. फिर तुमने एक और रिलेशन पढ़ा लास्ट टर्म पे, तुमने पढ़ा E इक्वल टू एफ बाय क्यू न्यूटन पर कूलम. इन दोनों को लिंक करके तुम एक और रिलेशन बना सकते हो, E डैश इक्वल टू E बाय के. ऐसे कुछ बच्चे जो रेगुलर अगर नहीं है, कोई भी क्लास बीच में बंक करते हैं, तो उनके लिए मेरी कोई गारंटी नहीं है. अगर वो लेक्चर देखकर नहीं आते तो मैं सुविधा सारी दे दी गई है, सारे वीडियो लैब में अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं. अगर तुम देखकर नहीं आते हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मान लो क्लास में आते हो और मैं रेफरेंस दे रहा हूँ पिछले लेक्चर का, ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया, अब तुम्हें नहीं पता है तो फिर नुकसान तुम्हारा ही है. और इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता, मेरे पास ये जादू की छड़ी नहीं है, ऐसे घुमाऊंगा और सारे पीछे के लेक्चर तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगे, नॉट पॉसिबल. तो रेगुलर रहने की कोशिश करो, और अगर कहीं रेगुलरिटी ब्रेक होती है, मैं कोई काम करना है तो 100% करना है, तो करना ही नहीं. तुम्हें सारी सुविधा दे दी, घर भी जा रहे हो तुम, कोई बात नहीं घर जाओ. और रेगुलर बेसिस पर जो जो लेक्चर डिलीवर होते जा रहे हैं, आजकल नेट की सुविधा हर जगह, इंटरनेट हर जगह, चलाओ देखो, तुम्हारी पढ़ाई अफेक्ट नहीं होगी एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में. तो फिजिक्स में, तो फिजिक्स में तुम बिल्कुल रिदम में चल सकते हो. तो यहां से हम देख रहे हैं जैसे एफ डैश एफ बाय के हो जाता है, ई डैश भी क्या हो जाएगा, ई बाय के. यहां से भी देख रहे हैं के टू रखेंगे तो ई डैश इज हाफ, और यहां से पता चल रहा है आधा, तो आधा इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा. यानी ये लाइन तो इसको क्रॉस करके जाएगी, इसमें होगा ये लाइन यहीं टर्मिनेट हो जाएंगी, आधी लाइन जाएंगी, आधी लाइन इसमें से नहीं जाएंगी. दिस विल बी द पैटर्न जो कि प्रेडिक्टेबल है, हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं. तो अगर के इक्वल टू फोर होता तो तीन जाती, एक नहीं जाती. इस पर क्वेश्चन आया जेई मेन में, और जेई मेन में आने के बाद फिर बोर्ड में जो ट्रेंड रहा है वो तुम्हें बताऊं. जनरली होता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन आईआईटी में एडवांस में इंट्रोड्यूस होते हैं, फिर समय बीतने के साथ साथ उससे फैमिलियरिटी लेवल हमारा बढ़ता जाता है, तो वो आसान लगने लगता है. तो फिर उस वो इंट्रोड्यूस करते हैं जेई मेन में. सारे क्वेश्चंस की नहीं कह रहा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एज ए ट्रेंड चलता है. तो एडवांस में आए हुए सवाल में से कुछ जेई मेन्स में आते हैं. जेई मेन्स में आने के बाद जिनका लेवल इस तरह का होता है जिसमें ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होती है, फिर वो बोर्ड वाले पूछ लेते हैं, बोर्ड में पूछ ले जाते हैं. प्रीवियस इयर्स में यही हुआ है, पिछले 30-35 सालों में यही हुआ है. तो क्वेश्चन पहले आया जेईई मेंस में, फिर आया बोर्ड में, और क्वेश्चन क्या था, चार ऑप्शन वाला बन के आया था, विदाउट ऑप्शन बना दिया बोर्ड में जब दिया, तो तुमको बोला ये दो प्लेट्स हैं जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स. अब की बार सिर्फ तीन चार्ज हमने दिखाया,
इन कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में मेटल का गोला रख दिया, गोला स्फीयर के इक्वल टू इंफिनिटी. नाउ प्रेडिक्ट पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस. जो कुछ अभी तक तुमने सीखा है फील्ड लाइंस के बारे में वो सारी जानकारी यहां पे लगा दो. तुमने सीखा नॉर्मली निकलती है, नॉर्मली टर्मिनेट होती है, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पर टर्मिनेट होती है. तुमने सीखा इंडक्शन की वजह से, क्योंकि k इक्वल टू इंफिनिटी है, सेम नेचर सेम अमाउंट में अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. तो ये तीन पॉजिटिव यहां तीन नेगेटिव इंड्यूस कर देंगे, यहां बचेंगे तीन पॉजिटिव. सिमेट्री लगाओ, जो बीच वाली लाइन है वो तो स्ट्रेट चली जाएगी क्योंकि 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहां से स्ट्रेट निकलेगी क्योंकि 90 डिग्री एंगल बन रहा है. पर जो साइड वाली लाइन है अगर वो सीधी जाएगी तो यहाँ 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा. 90 डिग्री एंगल बनने के लिए उसको रेडियली जाना जरूरी है. रेडियली मतलब रेडियस के अलोंग. अगर यहाँ कहीं सेंटर प्रेडिक्ट करो तो रेडियस डायरेक्शन जो होती है रेडियल, ऐसे घुमा देंगे, निकलते वक्त 90 डिग्री पर निकलेगी, यहाँ अगर घूम कर 90 डिग्री पर टर्मिनेट होगी, और यहां से निकलते वक्त 90 डिग्री पर निकलेगी, फिर इस पर टर्मिनेट होने के लिए घूम जाएगी. ऐसे ये वाली लाइन और ऐसे ये वाली लाइन, यानी इसके अंदर इसको मैं जोड़ के दिखाऊं ऐसे दिखा सकता हूं, पर वहां अंदर कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर जीरो. कंडक्टर इक्वल एंड अपोजिट फील्ड डेवलप होने की वजह से. तो ये पैटर्न प्रेडिक्ट करना होता है. इसमें चार ऑप्शन में तुम्हें बना के देते हैं, एक लाइन इसको क्रॉस करके जा रही है ऐसा दिखा देते हैं, या यूं मुड़ के जा रही है, वैसे मुड़ के जा रही है, अलग अलग तरह सीधी जा रही है, तो वो सारे पैटर्न गलत है. कंसेप्ट यहाँ पे काम करेगा 90 डिग्री पर टर्मिनेट होगी, 90 डिग्री पर इमिनेंट होगी. एक और टर्म यूज करो, इमिनेंट निकलना, टर्मिनेट खत्म होना जाकर. हाँ फ्रिंजिंग को तब तक नहीं दिखाएंगे जब तक स्पेशली मेंशन नहीं हो, मैंने क्लियर किया तो, नहीं तो समझने में मुश्किल होगी ना. फिजिक्स को आसान बना के समझना है या कॉम्प्लिकेटेड करना है, ये हमारी इच्छा है. अगर मैं उसमें फ्रिंजिंग दिखाऊंगा तो यहाँ पे भी समझने में मुश्किल होगी, यहाँ पे भी मुश्किल होगी, यहाँ पर भी पैटर्न ड्रॉ नहीं कर पाएंगे. तो जब तक कहा नहीं जाएगा तब तक फ्रिंजिंग क्वेश्चन में डिमांड नहीं होगी, तब तक फ्रिंजिंग हम नहीं दिखाएंगे. एक और जो सवाल पूछा गया पहले जेई मेन में बाद में बोर्ड में, वो ये था कि ये चार्ज बॉल है प्लस क्यू, इसके पास में एक मेटल की स्लैब रखी है. स्लैब और प्लेट में अंतर समझते हैं, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी ऑप्टिक्स में भी काम आएगी हमारे. ये प्लेट है, दिस इज प्लेट, और मान लो इतनी मोटी होती लकड़ी, तो इसको बोलते हैं स्लैब. स्लैब मोटी होती, प्लेट पतली होती. प्लेट में सॉरी स्लैब में दो सर्फेसेस तुम कंसीडर कर सकते हो इस प्लस क्यू की वजह से. अगर सिमेट्री का कंसेप्ट लगाएं तो अपोजिट नेचर का चार्ज यहां इंड्यूस होगा. सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाता हूं, पांच दिखा दी. जब भी सिमेट्रिकल बनाना है तो पांच बनाने होंगे, क्योंकि एक बीच में हो जाएगा दो साइड में हो जाएगा. यहां बचेंगे पॉजिटिव, यहां से नेगेटिव निकल के आए. फ्रिंजिंग का इफेक्ट फिर से नेगलेक्ट करते हुए अगर पैटर्न ड्रॉ करता हूं, वैसे खाली इतना पैटर्न ड्रॉ करने के ये शावर के फॉर्म में जा रहे, निकलते हो 90 डिग्री पर टर्मिनेट होते हो 90 डिग्री, पूरे नंबर मिल जाते, दो नंबर में आता था क्वेश्चन ये बोर्ड में. पर अगर तुम थोड़ा और आगे की बात दिखाओ कि ये जो पॉजिटिव है इससे भी लाइंस निकलेंगी, एक्सटेंडेड होगी अप टू इंफिनिटी, तो बेटर ऑप्शन है, ज्यादा अच्छा माना जाएगा, एग्जामिनर को इंप्रेस कर पाओगे. तो दिस विल बी द पैटर्न. तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऑलमोस्ट सारे पैटर्न कवर कर लिए जो पॉसिबल है. इसके बेसिस पर हम इन सब की प्रॉपर्टीज को
समराइज करके लिख सकते हैं पॉइंट्स की फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन बनाने के लिए इन्हीं की कोई सी एक प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, कई तरह से डिफाइन किया जा सकता है। तो इसके बाद लाइन खींच दो, सारे पैटर्न हो चुके हैं। एक वर्ड लिखेंगे दस, क्या दस का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया, थस बोलने लगे हैं क्या आजकल? दस ही बोलते हैं, ओके, THUS दस। अमेरिकन इंग्लिश जब से आई, पहले ब्रिटिश इंग्लिश चला करती थी, तब से बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो गए। दस करके डैश लगाओ, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का शॉर्ट फॉर्म EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, जो दिखाई नहीं देता फिजिक्स में वो सब इमेजिनरी, फिजिक्स के हिसाब से भगवान भी इमेजिनरी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी स्ट्रेट लाइंस, ऑब्लिक कर्व्स, स्ट्रेट लाइंस ऑब्लिक कर्व्स कॉमा विच, भाई ये स्ट्रेट भी हो सकती है कर्व भी हो सकते हैं, विच कंटिन्यूअसली, विच कंटिन्यूअसली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंटिन्यूअसली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन, इसकी जगह और क्या लिख सकते थे? Which emerges from surface of positively charged body and terminates on surface of negatively charged body. On which, at any point, if we draw a tangent, then that tangent shows the direction of electric field intensity at that point. ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, सब वैलिड है, सब एडिंग प्रॉपर्टीज। CBSE में ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता आजकल, बोले कि चार प्रॉपर्टी लिखो या दो प्रॉपर्टी लिखो, स्टेट बोर्ड में अब भी बनता है। तो दो प्रॉपर्टी चार प्रॉपर्टी स्टेट बोर्ड में पूछ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। सीबीएसई में क्वेश्चन बनता है एक नंबर में कंसेप्चुअल, और वो स्पेशल प्रॉपर्टीज पर बनता है, व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसे पूछते हैं जो प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। ऐसे पूछेंगे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, व्हाई, ऐसे क्वेश्चन बनता है सीबीएसई में। तो ये डिफरेंस है, पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं फिर स्पेशल प्रॉपर्टीज लिखेंगे। जरूरत पड़ने पर जो पहला पॉइंट लिखा रहा हूं प्रॉपर्टी का, तुम एक ही पॉइंट से तीन पॉइंट बना सकते हो। जैसे स्टेट बोर्ड में बिहार बोर्ड में पूछा चार प्रॉपर्टी लिखो, अब तुमको याद नहीं आ रही तो पहले याद है उसे तुम तीन हिस्सों में ब्रेक कर सकते हो, तो तीन बन जाएगी एक से तीन। तो तुम लिख सकते हो फर्स्ट पॉइंट में दीज इमर्जेस नॉर्मली, दीज इमर्जेस normally from surface of positively charged body, these emerges normally from surface of positively charged body and terminates। अब अगर तुम्हारी होशियारी डेवलप हो चुकी है तो तुम डैश डैश लगा के छोड़ सकते हो, आगे का सेंटेंस मौका दो दिमाग को प्रेडिक्ट करने का। क्या प्रेडिक्ट करेगा दिमाग? टर्मिनेट्स नॉर्मली ऑन सरफेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो इसमें तीन पॉइंट कौन से हैं? पहला पॉइंट, दीज इमर्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव, दीज इमर्जेस नॉर्मली टर्मिनेट्स नॉर्मली, और तीसरा These emerges from surface and terminates on surface. Surface से निकलती surface पे खत्म, अंदर नहीं जाती। Second, अगली property. If we draw a tangent, if we draw a tangent at any point, point का short form है PT dot और standard board में use कर सकते हैं। POINT point पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। P T dot. If we draw a tangent at any point on EFL, यानी electric field line, then
it shows the direction of EFI, then it shows the direction of electric field intensity at that point. Direction of electric field intensity at that point. Next property. The density of EFL in a given region, the density of electric field lines in a given region, represents the strength of EFI in that region, strength of electric field intensity in that region, represents the strength of electric field intensity in that region. Ya khali electric field mein likh sakte ho, strength of electric field in that region. Next property. Any two EFL, any two electric field lines can never intersect each other. Any two EFL can never intersect each other. तुमसे पूछते हैं why? तो continue करेंगे. Because if it occur, यदि ऐसा हुआ, because if it occur, comma, then if it occur, comma, then at the point of intersection, then at the point of intersection, comma, we can draw two tangents. We can draw two tangents showing two different directions. Two tangents showing two different directions of resultant electric field. Two different directions of resultant electric field, comma, which is not possible. Summoning. Which is not possible. कि resultant electric field दो दो direction में हो, इसलिए काट नहीं सकते. Next property star mark करके लिखोगे. क्या तुम्हें ध्यान आ रहा है कि electric और electrostatic इन दोनों term में कुछ अंतर है? क्या अंतर है? एक कंजर्वेटिव है, दूसरा कंजर्वेटिव नहीं. इलेक्ट्रोस्टैटिक इज कंजर्वेटिव बट इलेक्ट्रिक इज नॉन कंजर्वेटिव. अगर डायनेमिक स्टेट है तो इलेक्ट्रिक, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक अगर टर्म है तो वो थोड़ा ब्रॉड सेंस में यूज की जाती है. अगर स्टैटिक है तो भी इलेक्ट्रिक कह सकते हैं और डायनेमिक है तो भी इलेक्ट्रिक कह सकते हैं. पर अगर स्टैटिक है, या बोल रहे हैं दूसरे तरह से बोला, अगर बोल रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक तो डायनेमिक सिचुएशन के लिए उसको यूज नहीं कर सकते. इलेक्ट्रिक टर्म को दोनों सिचुएशन के लिए यूज कर सकते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक. पर अगर हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक तो स्पेशली इट इज ओनली फॉर स्टैटिक सिचुएशन. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉन कंजर्वेटिव होने की वजह से क्लोज लूप बना सकती है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती, नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में एंटर करेगी, मैग्नेट के अंदर मूव करेगी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एक पूरा क्लोज लूप बनेगा. ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक वायर है उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना सकती. पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नहीं बना सकती. तो तुम लिखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, अंडरलाइन कर दोगे इस वर्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप, कॉमा, इट इंडिकेट्स. ये दर्शाता है कि इट इंडिकेट्स कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. इट इंडिकेट्स कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड.
क्लोज टर्म। फिर एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज टर्म आप करके लिखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट हैव सडन ब्रेक्स, कहीं से टूटती नहीं है बीच में, डू नॉट हैव सडन ब्रेक्स कॉम, दैट इज आई डॉट ई डॉट, दैट इज दीज आर एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी, दीज आर एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी, अनंत तक फैली होती है। लॉन्ग रेंज फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो कहां तक जाएंगे, जहां तक फील्ड जाएगा वहां तक लाइंस जाएंगी, क्योंकि लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं फील्ड को, तो सडन ब्रेक्स नहीं होते। ये सवाल तुमसे पूछा एक नंबर में, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, पीछे इसका जवाब भी दिया हुआ है, जवाब ढूंढना, पढ़ के देखना, वो लैंग्वेज अगर तुम्हें समझ में आए तो वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती, यानी याद नहीं होती, याद होने वाली लैंग्वेज नहीं है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक हम लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, बिकॉज EFL represents EF, electric field lines represents electric field, जो electric field lines हैं वो electric field को represent करती हैं, EFL represents EF, and EF is extended up to infinity, और electric field खुद जो है वो अनंत तक फैला हुआ है, electric field is extended up to infinity, तो जो अनंत तक फैला हुआ है उसको दिखाने वाली लाइंस भी कहां तक फैली होंगी, अनंत। सिंपल लॉजिक, ब्रैकेट क्लोज, ऑब्वियस लॉजिक, ऐसा इसलिए है, इसलिए उसमें सडन ब्रेक नहीं होते। तो तुम बोलोगे यहां ब्रेक हो तो रहा है, डेफिनेटली यहां दूसरा अगर कोई कंडक्टर आ गया है रास्ते में तो ये ब्रेक हुआ है, टर्मिनेट होगी, हमने अभी तो पढ़ी प्रॉपर्टीज की, पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव पर टर्मिनेट होगी, तो यहां तो ब्रेक होगा क्योंकि बीच में दूसरा कंडक्टर आ गया, अदरवाइज ये एक्सटेंडेड हो गया अप टू इनफिनिटी। तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओवर, इतना जानना काफी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अगली टर्म सीखेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल हैडिंग इज पोटेंशियल। मैं यहां पर सीक्वेंस ब्रेक कर रहा हूं एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में पोटेंशियल दिया अगले चैप्टर में, पर पढ़ने में हमारे लिए ज्यादा आसान रहता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों को साथ पढ़ लें तो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के सारे डेरिवेशन लाइन से एक साथ कर सकते हैं, नहीं तो डाइपोल को दो टुकड़ों में करके पढ़ना होता है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सीक्वेंस चेंज करके पोटेंशियल को पहले पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ेंगे, फिर जाएंगे गॉस लॉ। तो तुमने हेडिंग लगाया पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कह सकते हैं इसको, सिंबल है कैपिटल वी। जैसा मैंने तुमको आज के लेक्चर में बोला कि हर फिजिकल क्वांटिटी की एक इमेज दिमाग में होनी चाहिए, जैसे फ्लक्स बोले तो तुम्हारे दिमाग में वो बल्ब आएगा जो बहुत दूर जल रहा है, उससे निकल रही है रेज, वैसे ही पोटेंशियल अगर तुम वर्ड सुनते हो तो इसका जो डिक्शनरी मीनिंग है पोटेंशियल, तुम्हारे अंदर क्या पोटेंशियल है कि तुम आईआईटी कर सको, पोटेंशियल कैपेबिलिटी, इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, कैपेबिलिटी सामर्थ्य। पर पोटेंशियल एनर्जी को भी तो वही कहते हैं, व्हाट इज एनर्जी, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो हाउ दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट, इनमें अंतर क्या हुआ, तो अंतर यह हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी, तो जैसे मैं तुमसे बोलूं बताओ स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी में क्या अंतर है, स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड फॉर यूनिट मास एंड हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड फॉर टोटल मास, एम एस इज हीट कैपेसिटी एंड एस क्यू बाय एम इज स्पेसिफिक डेल्टा टी, तो आएगा नीचे। तो बिल्कुल वही अंतर इन दोनों में है, पोटेंशियल एनर्जी टोटल, अब टोटल से कंपेयर नहीं कर सकते किसमें ज्यादा, टोटल एनर्जी में से, पर वो जो स्टोर हो रही है जिसके अंदर, वो अगर अमाउंट में कम है तो एफिशिएंसी ज्यादा निकल के आएगी, यानी ऐसे समझो एनर्जी स्टोर पर यूनिट मास अगर निकालो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल,
मान लो तुम सब में सेम एनर्जी इंडिविजुअली पर सबका मास अलग अलग है, तो ऐसे सिचुएशन में सबका पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट मास, यानी जिसका मास ज्यादा उसका पोटेंशियल कम, जिसका मास कम है उसका पोटेंशियल ज्यादा। नेचुरल सी बात है, ऐसा होता है। वर्किंग एबिलिटी, जो पतले दुबले लोग होते हैं वो आसानी से कूद फांद कर लेते हैं, चोट कम लगती है ना उनको, वजन कम है, कूद फांद कर लेते हैं, भाग दौड़ ज्यादा कर सकते हैं, तो पोटेंशियल ज्यादा, वर्क करने की एबिलिटी। मोटे लोग परेशान मत होना, तुम क्या करना, सिर्फ जब तुम्हें लगे कि आउट ऑफ कंट्रोल, जितना तुम्हें सहता सहता है ओके, जब भी तुम्हें लगे कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है ओके, टेस्टेड फैक्ट है, एक्सपेरिमेंटली टेस्टेड है, जब मेरा पेट थोड़ा ज्यादा निकलने लगता है, सर्दी में खाने पीने में ज्यादा आता है तो पेट थोड़ा बाहर निकलना शुरू होता है, तो एक सिंपल सा प्राणायाम है जिसको बोलते हैं पवन मुक्तासन, है ना, उसका पर्पस दूसरा होता है पर इसका इफेक्ट अलग होता है। पवन मुक्तासन का पर्पस होता है पवन को मुक्त करना, गैस जो बन रही शरीर में उसको बाहर निकालना। तो उसका तरीका क्या होता है, पीठ के बल लेट जाओ सुबह सुबह, और उसके बाद मतलब 2 मिनट के अंदर तुम कंट्रोल कर सकते हो, बाहर आते हुए तौंद को तुम 2 मिनट में कंट्रोल कर सकते हो, 2-3 दिन अगर लगातार तुमने आसन किया तौंद वापस अंदर चले जाती है, वही फ्रिंजिंग इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो सीधे लेट गए पीठ के बल, उसके बाद तुमने दाया पैर उठाया, उसको मोड़ा, दाया पैर मोड़ कर अब दोनों साइड से उठ रहे हो, ये लेटे हुए हो तुम, ये तुम्हारे पैर ही है, सर है, नाक को घुटने से लगाना है, पैर को मुड़ा हुआ रहेगा, पैर नाक को घुटने से लगाया, फिर उसको धीरे धीरे, जब तुम अपनी बॉडी को बेंड करते हो तो सांस बाहर छोड़नी होती है, बॉडी को एक्सपांड करते हो फैलाते हो तो सांस अंदर भरनी होती है, फिर अब तुमने धीरे धीरे उसको वापस सीधा किया, अब बायां पैर उठाओ नाक पर लगाओ, खुद भी उठना है पैर भी उठेगा, पीठ जमीन पर रहेगी, ये एक्सरसाइज 2 बार दाएं पैर के साथ, 2 बार बाएं पैर के साथ, और फिर 1 बार दोनों पैर एक साथ उठाने हैं और नाक को घुटने पे लगाना है, इसमें पेट जो दबता है तो फिर शेप में आ जाता है वापस, ठीक है। तो वापस लौटते हैं, मैंने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट किया, पोटेंशियल पे ले जा रहा हूं, मैंने पोटेंशियल बढ़ाने के लिए तुमको ये बोला कि मोटापा कंट्रोल में होना चाहिए और एक एक्सरसाइज मैंने तुमको बताई। तो पोटेंशियल अगर हम इलेक्ट्रिक फॉर्म में बात करें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मैंने बताया एनर्जी पर यूनिट मास, अगर तुम एनर्जी पर यूनिट चार्ज ले लोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब तुम्हें समझना है एक बात और, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर समझना है, तुम्हारे अंदर जो भी पोटेंशियल है, गौर करना ध्यान से सोचना, वो खुद के कारण है और इट इज बिकॉज ऑफ सराउंडिंग्स। तुम में से जितने लोग समझते हैं कि तुम्हारे अंदर जो भी वर्क करने की एबिलिटी है वो तुम्हारे खुद के कारण है तो हाथ नीचे रखो, जो लोग समझते हैं सराउंडिंग्स के कारण है वो लोग हाथ ऊपर कर दो। पता है क्या करेंगे हम लोग, तुम सबको यहां से उठाकर सीधे ले जाके नॉर्थ पोल पे छोड़ के आएंगे, अब दिखाओ अपनी एबिलिटी, सारा के रेगिस्तान में छोड़ देंगे, अरेबियन सी में छोड़ देंगे, दिखाओ अपनी कैपेबिलिटी। तुम्हारे अंदर जो भी एबिलिटी है वो खुद के कारण नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ सराउंडिंग्स। बाहर निकल के गए, देखा लड़ाई झगड़ा चल रहा था, 2 जने लड़ रहे थे, भीड़ इकट्ठी हो गई, एक तो मरियल सा था और दूसरा हट्टा कट्टा पहलवान, जैसे वो चेन्नई एक्सप्रेस का विलेन, तुमने देखा कि
तुम्हारी आशा के विपरीत हो उल्टा रहा था। जो मरियल सा था वो अकड़ रहा था और वो जो हट्टा कट्टा था वो उसके सामने डर रहा था। तो तुमने पूछा पास वाले भीड़ में जो खड़े थे लोग उनसे कि ये डर क्यों रहा है, इसको एक जमाए तो अभी धराशायी हो जाएगा। तो भीड़ में से उसने जवाब दिया कि जो मोहल्ला है वो मरियल वाले का मोहल्ला है जहां लड़ाई चल रही है। तो पोटेंशियल इज बिकॉज ऑफ सराउंडिंग। याद करो कि तुम जब फोर्थ फिफ्थ क्लास में पढ़ते थे और तुम्हारा जो भाई है सेवंथ एट्थ में पढ़ता था उसी स्कूल में, तो तुम्हारा पोटेंशियल कितना बढ़ गया था क्लास में, दादागिरी करते थे उसके दम पर, भाई को बोल देंगे वो बड़ा था, साथ में शिफ्ट चलती थी दोनों के स्कूल, साथ में स्कूल में आता वो तुम्हें बचा सकता था, तुम्हारे पास बैकअप था, बैकअप था तो तुम्हारा पोटेंशियल बढ़ गया था। तो पोटेंशियल कभी खुद के कारण नहीं होता, पोटेंशियल इज बिकॉज ऑफ सराउंडिंग्स। तो पोटेंशियल की सिंपल सी डेफिनेशन लिखेंगे फिर उसी पैटर्न में जाएंगे। एट ए पॉइंट पोटेंशियल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिफाइन किया था, लिखोगे। अब पोटेंशियल की एक इमेज है, देखो ये जो सारी एक्सरसाइज हमने की उसका निचोड़ क्या है, इसकी जरूरत क्या थी। अब जब भी तुम एक वर्ड सुनोगे पोटेंशियल, पोटेंशियल सिर्फ एक शब्द नहीं है तुम्हारे लिए, पोटेंशियल की पूरी एक इमेज है तुम्हारे दिमाग में। पोटेंशियल सुनते ही तुम्हें उसकी पूरी स्टोरी क्लियर है कि पोटेंशियल किसकी वजह से होता है, क्या होता है, कैसे होता है। ऐसे हर फिजिकल क्वांटिटी की एक इमेज होनी चाहिए दिमाग में। तो लिखोगे इट इज सिंपली वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इट इज सिंपली वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दैट इज कैपिटल वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ऊपर यूनिट आई जूल, नीचे आई कूलम, और इस जूल पर कूलम को जाना जाता है वोल्ट के नाम से, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि अलेक्जेंडर डी वोल्टा जिसने सिंपल वोल्टेज सेल बनाया था, सबसे पहले लुई की गैल्वनी, उसने मेंढक की टांग में इलेक्ट्रिसिटी ढूंढी थी, फिर उसके बाद अलेक्जेंडर डी वोल्टा ने सिंपल वोल्टेज पहला सेल बनाया था जिसका ईएमएफ था 1.08 वोल्ट, एक कॉपर की प्लेट एक जिंक की प्लेट को डाइल्यूट H2O4 में डिप किया था। तो साइंटिस्ट के नाम पर इसने कैपिटल वी पूरा लिखना है तो स्मॉल वी से स्टार्ट करके, देखो ये होता है स्मॉल वी और ये होता है कैपिटल वी, ये ध्यान रखना है तुमको। स्मॉल वी हमेशा ऐसे बनेगा, कैपिटल वी ऐसे बनेगा। तुमसे बोर्ड में एक नंबर में सवाल पूछते हैं, नेम द फिजिकल क्वांटिटी